पाकिस्तान में चुनाव नतीजों के 22 दिन के बाद नए प्रधानमंत्री का चुनाव हो सका है। संसद में हंगामे और शोर शराबे के बीच शहबाज शरीफ पीएम चुने गए हैं और इस दौरान पीटीआई समर्थक सांसद इमरान के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए और उसके बाद शहबाज का पहला भाषण भी हुआ जिसमें उन्होंने खुद को पीएम की जगह विपक्ष का नेता बता दिया। इसे लेकर अब उनका मजाक भी बनाया जा रहा है। साथ ही नए प्रधानमंत्री ने पहली स्पीच में जो मजबूरियां और चुनौतियां गिनाई उससे सवाल यह उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान में जल्द ही सेना की हुकूमत लौटने वाली है। देखिए रिपोर्ट। दूसरी बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चुने गए शहबाज शरीफ ने पहले ही दिन संसद में रोना धोना शुरू कर दिया। कर्ज में डूबे पाकिस्तान का दुखड़ा रोया और मुल्क की जनता को बता दिया कि कैसे सत्ता और सरकार चलाना उनके बस की बात नहीं है। शहबाज शरीफ कटोरा लेकर देश चलाने का तजुर्बा रखते तो हैं, लेकिन मौजूदा हालात उनके लिए नई नई मुसीबत लेकर आए हैं। शायद इसीलिए वो खुद को प्रधानमंत्री कहने की बजाय नेता प्रतिपक्ष कहने लगे। पाकिस्तान कैसे चलेगा और कैसे आगे बढ़ेगा इसका जवाब उनके पास नहीं है। पीएमएलएन ने गठबंधन की सरकार बना तो ली है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की है, जिसमें फिलहाल शहबाज हाथ खड़े करते नजर आ रहे हैं। कर्ज की वजह से पहले ही पाकिस्तान की हालत पस्त है, ऐसे में नई सरकार क्या कर पाएगी इसे लेकर सवाल उठना लाजमी है। संसद के भीतर जब प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा था तब इमरान के समर्थन में नारेबाजी हो रही थी। पीटीआई के नेता संसद के अंदर गुस्सा जता रहे थे, शहबाज के चुनाव का विरोध कर रहे थे। आरोप यही था कि जनता के वोट की चोरी करके ये सरकार बनी है। इमरान खान की पार्टी चुनावी नतीजों के बाद से ही लगातार धांधली का आरोप लगा रही है, नई सरकार को चोरी की सरकार बता रही है, इसीलिए संसद के अंदर भी संग्राम हुआ। पाकिस्तान में सरकार भले ही बन गई हो लेकिन संकट अभी भी टला नहीं है। सवाल इस बात को लेकर है कि शहबाज शरीफ कब तक बतौर प्रधानमंत्री काम कर पाएंगे, क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर है और गंभीर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की दुहाई दी तो जाती है, लेकिन सच्चाई यही है कि पर्दे के पीछे सब कुछ पाकिस्तान की फौज के ही हाथ में रहता है। अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या पीएमएलएन के नेतृत्व वाली सरकार अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। शहबाज के सामने गठबंधन के सहयोगियों को साधे रखना बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान की पटरी से उतर चुकी आर्थिक स्थिति को सुधारना सबसे बड़ा संकट है। जनता की समस्याओं का समाधान कैसे होगा इसका विजन भी सरकार के पास नहीं दिख रहा। इमरान की पार्टी चुनाव में की गई धोखाधड़ी को बड़ा मुद्दा बना रही है, जो सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जल्द ही सेना का राज लौट आए तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान में सेना के इशारे पर चुनाव भी हो गए और सरकार भी चुन ली गई। प्रधानमंत्री एक बार फिर शहबाज शरीफ को ही बनाया गया है, मगर पाकिस्तान का संकट कम होने के आसार नहीं दिख रहे। यानी सरकार के वजूद पर पहले ही दिन से सवाल उठने लगे हैं। ऐसे में सेना कब क्या खेल करेगी, पाकिस्तानी अब इसका ही इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Z News.